हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट टू। ठीक है, इस चैप्टर का, इन्फेक्शियस डिजीज चैप्टर का। लास्ट वीडियो में लिम्फेजाइटिस पढ़ाया था, बट कुछ ऑडियो दिक्कत हो गया था जिसके कारण साउंड नहीं आया था, तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ। लिम्फेजाइटिस, ठीक है। लिम्फेजाइटिस क्या होता है? इज एन एक्यूट नॉन सेपरेटिव इन्फेक्शन एंड स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये क्या होता है? ये नॉन सेपरेटिव होता है इन्फेक्शन और स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें क्या होता है? देखो, सेलुलाइटिस में क्या था आपका? स्टेफेलोकोकस पायोजेंस कॉज कर रहा था। इसमें आपका ये आपका स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन नॉन स्प्रेडिंग होता है, इसमें कोई पस प्रोड्यूस नहीं होता है। और ड्यू टू बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई क्लोस्ट्रिडियल ऑर्गेनिज्म, ये कॉमनली एसोसिएट रहता है सेलुलाइटिस से। ठीक है, जो एरिस्पेलास है वो एक टाइप ऑफ लिम्फोजाइटिस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हो? इन एंडेमिक एरिया फ्लेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, जो एंडेमिक एरिया में फ्लेसिस जो होता है वो बहुत कॉमनली इस कॉज होता है लिम्फोजाइटिस में। ठीक है, ये कौन कॉज करता है? उचेरा ब्रैंकॉफ्टा कॉज करता है इसको, और ये कुलेक्स मॉस्किटो के बाइट से कॉज स्प्रेड होता है। माइक्रोफिलेरिया रीच करता है लिम्फ नोड को, फॉर्मिंग एडल्ट वॉर्म व्हिच ब्लॉक्स द लिम्फ नोड, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, फाइब्रोसिस एंड लिम्फोजाइटिस। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि यूजुअली लिम्फोजाइटिस जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण भी हो सकता है, अकर्स फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा, एक ट्रॉमा कारण हो सकता है। रैपिडली अफेक्टेड एरिया डेवलप वार्मनेस एंड रेडनेस। और फीचर्स में आएंगे हम, तो इसमें सारे आप जो भी पढ़े हो सेलुलाइटिस में, पढ़े हो सेलुलाइटिस में, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा का दिखाई देता है हम लोग को कि यहाँ पे रेडनेस, जो एरिया जो रेडनेस है, अगर आप उसको पंच ऐसे दबाओगे, फिंगर से प्रेशर दोगे, तो आपको ब्लेंचिंग दिखाई देगा। ब्लेंचिंग मतलब क्या? कि जब प्रेशर लगाओगे तो आपका जो रेडनेस है वो गायब हो जाएगा, और जब प्रेशर छोड़ोगे तो रेडनेस वापस आ जाएगा। ठीक है, स्टिकी रेडनेस जिस ट्रेडिंग इज अ टिपिकल ऑन प्रेशर एरिया, ब्लेंचिंग ऑन रिलीज रेडनेस रीअपीयर। इडिमा ऑफ द पार्ट पैल्पेबल टेंडर रीजनल लिम्फ नोड आर ऑब्वियस। ठीक है, वहां पे इडिमा होगा, वहां पे आपको रीजनल लिम्फ नोड पैल्पेबल रहेगा। ठीक है, टेंडरनेस रहेगा आपका, और फिर फीवर रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा, फ्यूचर टॉक्सिमिया रहेगा। ठीक है, जो सेम था वही आप लिख सकते हो वहाँ पे, जो आपका अब हम पढ़े थे सेलुलाइटिस में। और यहाँ पे आपका ग्रोइंग जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज रहेगा। ठीक है, और टेंडर रहेगा लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब आपका क्या रहेगा? लिम्फेटिस जो मेनली कॉमन रहता है, डोर्सल ऑफ हैंड में कॉमन रहता है, तो वहां पे रहेगा। ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड जो होता है वो मेनली आप सेपरेट हो जाता है टू फॉर्म एन एब्सिस। ठीक है, जो रीजनल लिम्फ नोड है वो एब्सिस बना देता है। इसे टॉक्सिमिया, सेप्टिसिमिया अकर हो सकता है। रैपिडिटी मे बी मोर इन डायबिटीज एंड इम्यूनोसप्रेस्ड। इसमें क्रोनिक लिम्फोजाइटिस हो सकता है अगर वहीं पे आपको बार बार अटैक होगा तो। ठीक है, फिर इसका आएंगे अपन कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, वही है ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट है, रीनल आरएफटी, एनएफटी, पेरिफेरल स्मियर, ब्लड कल्चर, ये आप देख सकते हो। एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, क्लोसासिलिन यूज कर सकते हो। पैर मूवर तो एलिवेट करो, रेस्ट डोज को, और ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट ड्रेसिंग कराओ। ठीक है, और टॉक्सिक सेप्टिसिमिया है तो वहाँ पर आप अच्छे से और क्रिटिकल केयर करो, और अच्छा हाई डोज में आप एंटीबायोटिक दो। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका बॉयल। ठीक है, ये आपका बॉयल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉयल क्या होता है? इट इज एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। देखो, ये भी क्या होता है? ये वो ऊपर क्या था? स्टेप्टोकोकस था। ये क्या कर रहा है? स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो रहा है ऑफ हेयर फॉलिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बॉयल, आपको बॉयल से याद होना चाहिए, फर्निकल, जिसे मतलब क्या है? हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, विथ पेरी फॉलिकुलाइटिस विच यूजली प्रोसीड टू सपरेशन एंड सेंट्रल नेकोसिस। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? एक आपका हेयर फॉलिकल में आपका इन्फेक्शन हो रहा है, स्टेफेलोकोकस इन्फेक्ट कर रहा है, जो कि आपका बाद में वो प्रोसीड कर रहा है सपरेशन और सेंट्रल नेकोसिस की तरफ। ऑफन बॉयल ओपन्स ऑन इट्स ओन एंड सबसाइड। ठीक है, बॉयल जो होता है अपने आप ओपन हो जाता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, फर्निकल इज एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कैनाल। आप देखोगे आपके कान में एक कभी 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 आपका एक पस टाइप का बन जाता है, एक बॉयल बन जाता है। ठीक है, जो आप दबाओगे ना काफी पेनफुल रहेगा। क्यों? देखो, कान में क्यों होता है? क्योंकि कान में क्या होता है? बहुत ही अच्छा रिच क्यूटानियस नर्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेनली होता है, और यहाँ पे जो स्किन है वो डायरेक्टली पेरिकोंडियम से अटैच रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट के बारे में, फर्निकल होता क्या है? फर्निकल फर्निकल बॉयल जो होता है वो एक्यूट स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन होता है ऑफ हेयर फॉलिकल विद पेरी फॉलिकुलाइटिस विच यूजली प्रोसीड्स टू सपरेशन एंड सेंट्रल नेकोसिस। ठीक है, ऑफन बॉयल ओपन्स ऑन इट्स ओन एंड सबसाइड्स। ठीक है, ये अपने आप होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है, ज्यादा इसका सीवियर नहीं होता। फर्निकल जो होता है मेनली आपका एक्सटर्नल ऑर्टेरी ऑर्टेरी कैनाल में होता है, क्योंकि वहां पे जो आपका बहुत अच्छा रिच क्यूटानियस स्किन सब नर्व होता है, और जो स्किन है वो आपका पेरिकोंडियम से अटैच रहता है। ठीक है,
अटैच रहता है। बॉयल ऑफन हील्स स्पॉन्टेनियसली, जो कुछ पढ़े अपन, ये अपने आप ठीक हो जाता है। सबमिशन विल नॉट अकर इन सच बॉयल, इट्स ऑफन कॉल्ड ब्लाइंड हील्ड डल बॉयल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बॉयल में आपका सबमिशन दिखाई देना चाहिए बट कभी कभी दिखाई नहीं देता है और अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड हील्ड, यानी कि छिपके से, है ना, हमें दिखाई नहीं दिया और अपने आप ठीक हो गया। ब्लाइंड हील्ड वो काफी डल था, डल बॉयल। ठीक है, बॉयल इज कॉमन ओवर बैक, वो बैक में हो सकता है, नेक में हो सकता है, थाई में हो सकता है, फोरआर्म में हो सकता है। ठीक है, इवन दो इट कैन अकर एनीवेयर एनीवेयर, बॉयल इन आई लैश फॉलिकल इज कॉल्ड स्टाई। जो हम ऑप्शन में पढ़े थे स्टाई, तो स्टाई में क्या होता है आपके फॉलिकल्स में जाता है ना, तो आपकी जो फॉलिकल्स के आईलैश में हो रहा है उसको तुम बॉयल ही बोलेंगे। ठीक है, बॉयल कैन अकर इन पेरी एनाल रीजन, पेरी एनाल रीजन में हो सकता है, विच कैन लीड इन टू एप्सिस एंड फिस्टुला। ठीक है, फिस्टुला एप्सिस में ये कन्वर्ट हो सकता है। बॉयल कैन लीड इन टू हिडाडेनाइटिस कॉमन इन एक्सिला एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है, अगर आपका प्यूबिक रीजन और एक्सिला में जो होता है बॉयल, उसको अपन हिडाडेनाइटिस बोलते हैं। बॉयल कैन कॉज सेलुलाइटिस इन ऑफ लोकल एरिया, ओवरलाइंग स्किन अंडरगोस नेक्रोसिस। ठीक है, जो स्किन है वो नेक्रोसिस में जा सकता है, बट ड्यूरिंग हीलिंग री एपिथेलाइजेशन अकर्स, लेकिन हीलिंग टाइम पे एपिथेलाइज होगा। ये आपको ये पॉइंट बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, पहला बोला है कि अपने आप होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा बोला है कि वो आपका ईयर वाला लिख देना। तीसरे में बोलना है कि वो अपने आप ठीक हो जाता है स्पॉन्डेसी, अगर आपको कभी पस दिखाई देता है, कभी पस दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं ब्लाइंड हील डल बॉयल। ठीक है, इसे बोला कि कहाँ कहाँ दिखाई देता है, आपके एक्सिला में दिखाई सकता है, नेक, आपका पेरिएनाल रीजन, है ना, आपका क्या बोलते हैं प्यूबिक एरिया, एक्सिला, ठीक है, और बैक, ठीक है, ये सब में दिखाई देगा आपका, और आपका फिस्टुला फंक्शन करा सकता है ये, और जहाँ पे अगर अंडर स्किन है वहाँ पे नेक्रोसिस फॉर्म हो सकता है। और फिर क्या पॉइंट है, बॉयल कॉमनली सबसाइड्स स्पॉन्टेनियसली ऑफन विद द सपोर्ट ऑफ सुटेबल एंटीबायोटिक। ठीक है, बॉयल जो है वो स्पॉन्टेनियस ठीक हो जाता है अगर एक अच्छा सुटेबल एंटीबायोटिक दोगे तो। ठीक है, जो स्टैफ को मार सके। ओकेजनली रिक्वायर्स इंसिजन एंड ड्रेनेज, रीजनल एंड लार्ज टेंडर लिम्फ नोड मे बी पेरेबल ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, जितना भी पढ़े हम लोग इन्फेक्शन, सब में जो लिम्फ नोड थे वो टेंडर थे, टेंडनेस दिखाई दिया था हम लोग को, वो पाथेबल थे। ठीक है, और ये अपने आप ठीक हो जाता है एंटीबॉडी से, तो वो ज्यादा बस पस बन गया तो अपन इंसिजन देंगे और ड्रेन करेंगे। सिस्टमिक फीचर्स आर नॉट कॉमन। ठीक है, सिस्टमिक फीचर्स है वो कॉमन नहीं है अनलेस इट इज मल्टीपल रिकरेंट सीवियर और इन डायबिटीज एंड इम्यूनो सप्रेस। ठीक है, तो जो सिस्टमिक फीचर्स है वो मेनली इसमें नहीं दिखाई नहीं देता अनलेस इट इज मल्टीपल, अगर बहुत ज्यादा है, बार बार हो रहा है, वो सीवियर है, या फिर डायबिटीज और इम्यूनो सप्रेस में है। ठीक है, मल्टीपल रिकरेंट बॉयल्स आर कॉमन इन डायबिटीज, मेनली डायबिटीज में दिखाई देता है मल्टीपल बॉयल। ठीक है, तो ट्रीट कैसे करेंगे वही अपन पढ़े थे, पहले अपन एंटीबायोटिक दे देंगे और फिर वो अपने आप अगर ठीक नहीं होता है तो जैसे अपन क्लोजासिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन दे देंगे, या फिर बहुत ज्यादा हो गया सीवियर हो गया तो अपन ड्रेन कर देंगे बॉयल को इन सीवियर पोजिशन फॉर्म। ठीक है, अब बॉयल से क्या क्या हो सकता है, बॉयल से आपका सेलाइटिस हो सकता है, लिम्फोडेनाइटिस हो सकता है, हिडाडेनाइटिस हो सकता है। ठीक है, और बॉयल डेंजरस जोन इन फेस कैन कॉज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो कई सेलाइटिस, लिम्फाडेनाइटिस, हिडाडेनाइटिस और बॉयल इन डेंजरस जोन, जहां पे आपका कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, ये आपका बॉयल हो गया। अपने शब्द पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है कार्बनकल। ठीक है, कार्बनकल क्या होता है, वर्ड मीनिंग ऑफ कार्बनकल इज चारकोल। आपको कार्बनकल से याद आना चाहिए आपको चारकोल, चारकोल मतलब क्या है, काला काला। ठीक है, ब्लैकिश, तो आपको कार्बनकल बोलते हैं, आपको चारकोल माइंड में आना चाहिए। ये क्या होता है, ये इन्फेक्टिव गैंग्रीन होता है स्किन का। ठीक है, ये स्किन का जो होता है ये गैंग्रीन होता है और सबक्यूटेनस टिश्यू का गैंग्रीन होता है। ठीक है, इसको कौन कॉज कौन कॉज करता है, स्टेफोरिस कॉज करता है, ऊपर भी स्टेफोरोकोकस ही था। ठीक है, कॉमन साइड क्या है, ये आपके जो नेक में या फिर बैक में। ठीक है, ये आपका नेक में और बैक में अकर होता है, स्किन इन दिस एरिया इज थिक। ठीक है, यहाँ पे जो स्किन है वो ठीक हो जाता है, कंडीशन ऑल्सो अकर इन शोल्डर, चीक, हैंड और फोरआर्म। आप मेनली नेक याद रखो और बैक याद रखो। ठीक है, यहाँ पे जो स्किन होता है वो ठीक हो जाता है, यहाँ पर स्टेफोरिस कॉज कर रहा है इसको, और फिर क्या होता है, गैंग्रीन होता है मेनली। ठीक है, गैंग्रीन होता है किसका, स्किन का और सबक्यूटेनस टिश्यू का, मेनली डायबिटीज में होता है। अब जितना भी हम लोग पढ़े सेलाइटिस, लिम्फोजाइटिस, है ना, बॉयल और क्या बोलते हैं, जितने पढ़े हम लोग, ये सब आपका डायबिटीज और आपका क्या बोलते हैं इम्यून सप्रेस में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इट इज कॉमन इन डायबिटीज एंड ऑफन 40 ईयर्स ऑफ एज, ये मेनली मेल्स में कॉमन रहता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट इसके दिया हुआ है, कि चारकोल याद रखना है आपको, कार्बन चारकोल याद आना चाहिए, इन्फेक्टिव गैंग्रीन स्किन और सबक्यूटेनस टिश्यू का, और ये स्कैफोरेस कॉज कर रहा है, ये आपके नेक में और बैक में दिखाई देगा, और यहाँ पे स्किन जो है ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये डायबिटीज को कॉमन रहता है, 40 से एज कॉमन रहता है, ये मेल्स को कॉमन रहता है। तो होता कैसे ये, इसका इसका अपन आएंगे, इसका पैथोजेनेसिस में आएंगे अपन। ठीक है, पैथो में आएंगे तो कैसे होता है ये, पहले इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, स्टेफर्स आया, इन्फेक्ट किया, वहां पे छोटा क्या बन जाएगा, स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स बन जाएगा, फिर क्या होगा, सीव लाइक पैटर्न बनेगा,
रेड इंडुएटेड स्किन विथ डिस्चार्जिंग पस। ठीक है, पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन आया, फिर आपका स्मॉल वेसिकल्स डेवलप हुआ, वहां पे सीम लाइक पैटर्न बना, रेड इंडुएटेड स्किन विथ डिस्चार्जिंग पस। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, एक जो स्किन है वहां पे रेडनेस आ जाएगा और वहां से पस निकलेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, बहुत सारे जो वेसिकल्स है वो जुड़ जाएंगे, मेनी फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल नेक्रोटिक अल्सर। ठीक है, एश ग्रे स्लॉग विथ पेरिफेरल फ्रेश वेसिकल लुकिंग लाइक अ रोसेट। ठीक है, और फिर क्या होगा, स्किन क्या होगा, ब्लैक बन जाएगा, इसी से नाम चारकोल पड़ा है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कुटानियस वेसल्स, डिजीज स्प्रेड टू एडजेसेंट स्किन रैपिडली, पेशेंट इज टॉक्सिक एंड डायबिटिक केयर कीटोटिक। ठीक है, तो कैसा है इसका, पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन करने के बाद क्या हुआ कि आपको स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स बन गए, फिर आपको सीव लाइक पैटर्न बनेगा, और फिर क्या होगा, आपका जो एरिया है वो रेड इंडुएटेड स्किन स्किन है विथ डिस्चार्जिंग पस। ठीक है, वहां से पस निकलेगा और रेड इंडुएटेड स्किन बनेगा, और फिर बहुत सारे क्या होगा, फ्यूज जो है वो फ्यूज कर देंगे, जितने वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, एक रोसेट टाइप का फॉर्मेशन बनेगा। फिर क्या होगा, पढ़े हम लोग कि स्किन जो है वो थिक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ क्यूटानियस वेसल्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या, पेशेंट जो रहेगा ये आपका टॉक्सिक रहेगा और आपका डायबिटीज में कीटोटिक रहेगा। इन कार्बनकल ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स आर इन्वॉल्व, कार्बनकल में ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। बॉयल कीटा कार्बनकल क्या होता है, कार्बनकल इज क्लस्टर ऑफ फर्निकल। ठीक है, कार्बनकल जो है बॉयल का ही टाइप का है, बॉयल का बहुत सारे बॉयल का क्लस्टर बन जाते हैं, उसको कार्बनकल बोलते हैं, कनेक्टेड सबक्यूटेनियसली कॉजिंग डीपर सेपरेशन एंड स्केरिंग। ठीक है, अब अपन कैसे कैसे इनिशिएट कैसे करेंगे, डायबिटीज है इसको, है ना, तो अपन यूरिन शुगर चेक कर देंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, यूरिन कीटोन बॉडीज चेक करेंगे, और जो डिस्चार्ज हो रहा है पस उसका अब हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी करा देंगे अपन। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट कैसा है कि भाई डायबिटीज हम लोग कंट्रोल करेंगे डायबिटीज को, इनिशियल ड्यूरिंग इंसुलेशन और एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी अगर डिजीज हो रहा है, जो भी अगर बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है कल्चर और सेंसिटिविटी में, आप उसकी तरह एंटीबायोटिक दे देना, और ड्रेन कर देंगे हम लोग पस का। ठीक है, क्रूशियट इंसिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल डेड टिश्यू वंस वुंड डेवलप्स वेल, स्किन ग्राफ्टिंग भी हम कर सकते हैं, और रिनल कार्बनकल हो गया है तो वो हम एक किडनी में होता है ड्यू टू इन्फेक्शन फॉर्मिंग लोकलाइज इन्फेक्टिव मास लेसन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कार्बनकल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट में, पॉट्स पफी ट्यूमर। ठीक है, ये क्या होता है, पॉट्स पफी ट्यूमर क्या होता है, इट इज अ मिसनोमर, ये एक मिसनोमर है, ये कोई ट्यूमर नहीं होता, पॉट्स पफी ट्यूमर जो होता है ये कोई ट्यूमर नहीं है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल स्वेलिंग इन द स्कैल्प ड्यू टू सब पेरियोशियल पस एब्सेंट स्कैल्प एडिमा। अब याद रखना पॉट्स पफी जो होता है, जो ये है फोटो है पॉट्स पफी सिंड्रोम का, ये मेरी आपका स्कैल्प में होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, एक तो ये मिसनोमर है, ये ट्यूमर नहीं है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूज एक्सटर्नल स्वेलिंग इन द स्कैल्प। ठीक है, पॉट्स पफी याद आना चाहिए आपको, ये स्कैल्प से रिलेटेड है। ठीक है, ड्यू टू इसमें होता क्या है कि जो सब पेरियोस्टल है, जो आपका पेरियोस्टल के नीचे जो सब पेरियोस्टल है वहां पे पस फंक्शन हो जा रहा है, एब्सेस बन रहा है और स्कैल्प का एडिमा हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, सब पेरियोस्टियल आपका पस बन रहा है और स्कैल्प का एडिमा हो रहा है। इट ओरिजिनेट कॉमनली इन फ्रंटल रीजन एंड मे एक्सटेंड इन टू अदर रीजन। ठीक है, मेनली आपका फ्रंटल रीजन में ओरिजिनेट होता है, वहां से फिर वो एक्सटेंड करता है। देयर इज एक्यूट ऑस्टियोमेलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑस्टियोमेलाइटिस दिखता है। क्या क्या पॉइंट है आपका, पहले मिसनोमर है, ट्यूमर नहीं है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल स्वेलिंग हो जाता है सब स्कैल्प में ड्यू टू सब पेरियोस्टियल पस एब्सिस या फिर आपका स्कैल्प का एडिमा के लिए। इट ओरिजिनेट कॉमनली इन द फ्रंटल रीजन एंड मे एक्सटेंड इनटू अदर रीजन। यहाँ पे एक्यूट ऑस्टियोमेलाइटिस भी हो सकता है फ्रंटल बोन का। अब आते हैं कॉजेस में आते हैं। ठीक है, ऑस्टियोमेलाइटिस हो गया, स्कैल्प एडिमा हो गया, सब पेरियोस्टियल पस हो गया, और इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूज एक्सटर्नल स्वेलिंग इन द स्कैल्प ड्यू टू सब पेरियोस्टियल पस। ठीक है, अब आते हैं कॉजेस पे, कौन कौन कॉज करता है। क्रोनिक फ्रंटल साइनसाइटिस व्हिच इवेंचुअली सेपरेट एंड एक्सटेंड इनटू सब पेरियोस्टियल रीजन। ये क्या है कि अगर हमारे फ्रंटल में हमारे साइनसाइटिस हो गया है तो क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा और फिर वो सब पेरियोस्टियल रीजन में जाएगा। कोई भी इन्फेक्शन अगर सब पेरियोस्टियल रीजन में जा रहा है, मतलब कि वो कॉज कर रहा है। ठीक है, वो आपका पॉट्स पफी सिंड्रोम ट्यूमर कॉज कर रहा है। तो आपका अगर वहां पे साइनस में आपका इन्फेक्शन हो गया, वहां से क्या हो रहा है, सब पेरियोस्टियल रीजन में जा रहा है तो वो कॉज कर रहा है। दूसरा क्या, ट्रॉमा हो गया तो सब पेरियोस्टियल हेमाटोमा बन गया है। क्रोनिक सेपरेटिव ऑर्थराइटिस मीडिया हो गया आपको, है ना, सीओएसएम हो गया है, इसे आपका हो सकता है। अब आते हैं इसे कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, सही है, पढ़े अपन कि फ्रंटल बोन का ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इनटू इंट्राक्रैनियल कैविटी लीड टू इंट्राक्रैनियल एब्सिस। अगर ये आपका इंट्राक्रैनियल कैविटी जाएगा तो आपका इंट्राक्रैनियल एब्सिस बन सकता है। जिससे अगर आपको रेस्ट इंट्राक्रैनियल टेंशन दिखेगा, हेडेक दिखेगा, कोनिंग कन्वर्जन। ठीक है,
पोर्स ऑफ ट्यूमर कैन बी एसोसिएटेड विद कॉर्टिकल वीन थ्रोम्बोसिस, है ना। बस आप दो याद रखो, ऑस्मोलाइटिस हो सकता है और स्प्रेड जो है वो आपका इंट्राक्रैनियल जा सकता है, वहां पर आपको हेडेक दिखेगा, फीवर आएगा, कमजोर आएंगे, वो सब आएंगे, ठीक है। वैसे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, कि ये क्या हो रहा है, अपस है ना, तो एंटीबायोटिक करेंगे अपन एंड ड्रेनेज कर देंगे अंडर जनरल एनेस्थेसिया बिफोर एक्सपेंड इनटू क्रेनियल कैविटी। आपके क्रेनियल कैविटी जाने से पहले हम लोग उसको ड्रेन कर देंगे और एंटीबायोटिक दे देंगे। वंस इट एक्सटेंड इनटू क्रेनियल कैविटी, अगर क्रेनियल कैविटी में चला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर न्यूरोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन, डैंडिस ब्रेन टनल बोलते हैं। ऑस्मोलाइटिस ऑफ स्कल बोन, ऑस्मोलाइटिस ऑफ स्कल बोन रिक्वायर्स रेडिकल रिमूवल विथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कल डिफेक्ट, ठीक है। अगर आपका स्कल बोन का ऑस्टियोलाइटिस हो गया है तो हम क्या करेंगे, रेडिकल रिमूव करेंगे और स्कल डिफेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका ये टॉपिक हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है आपका, टिटनस। टिटनस क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आया था टिटनस है क्या, टिटनस क्या है आपका, इन्फेक्शन होता है, कॉज कौन करता है उसको, क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एन इन्फेक्टिव कंडीशन कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू रिफ्लेक्स मसल स्पैजम, इसमें क्या होगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक कॉज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आपके जो मसल है वहां पे रिफ्लेक्स का मसल का स्पैजम हो जाएगा, ऑफन एसोसिएटेड विथ टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन, ठीक है। क्या होगा फिर आपको, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन होगा, ये आपको टिटनेस हो गया। अब आते हैं कि कौन सा रिस्क फैक्टर है टिटनेस करने का, अगर आपको क्या बोलते हैं टिटनेस का टॉक्सिक इम्यूनाइजेशन नहीं लिए हो तो आपको हो सकता है, आपका ट्रॉमा हुआ है विद लैसरेशन, डीप वाउंड, क्रश डिविटिलाइज्ड वाउंड, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, वुंड विद एनारोबिक एनवायरमेंट इन द टिश्यू, ठीक है। तब हो सकता है आपको कहीं का एक्सीडेंट हुआ जहां पे आपको डीप वुंड हो गया है, लैसरेशन हो गया, वहां से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अगर आपको सीएसओएम हो गया है विद परफोरेशन, कैरी स्टीथ, ठीक है, इम्प्रॉपर स्टेलेशन इन द अवार्ड लेबर एंड ऑपरेशन थिएटर, टैटोइंग रस्टल नेल्स, देयर इज अ मिथ दैट ओनली रस्टेड इंस्ट्रूमेंट विल कॉज टिटनेस, लेकिन ट्रू नहीं है, है ना, आपका कोई भी कॉज कर सकता है, बस रस्टेड नहीं कॉज कर सकता। इसलिए आपको जहां भी आपको अगर लगता है एक्सीडेंट हो गया, कहीं हो गया, आप तुरंत टिटनेस का वैक्सीन लीजिए, ठीक है। ये तो आपको क्या रिस्क फैक्टर हो गया। अब आते हैं कि कौन कॉज कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इज अ ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक मोटाइल नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। क्या है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, एनएरोबिक है, ठीक है। एनएरोबिक ये ऑक्सीजन के बिना आपका सर्वाइव करता है, मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है, ऑर्गेनिज्म विद पेरिट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है। यहाँ पे आपका पेरिट्राइकस फ्लैजिला रहता है प्रेजेंट। आपसे आपको क्या दिखता है, कौन सा अपीयरेंस दिखता है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस दिखता है, टेनिस रैकेट या ड्रम स्टिक अपीयरेंस। स्पोर इज द इन्फेक्टिव एजेंट, दे आर फाउंड इन सॉइल, मैन्योर, डस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पोर जो होता है वो इन्फेक्टिव एजेंट होता है, वो आपको सॉइल में मिलेगा, मैन्योर में मिलेगा, डस्ट में मिलेगा। स्पोर कैन गेन एंट्री थ्रू एनी वाउंड, ठीक है। स्पोर जो है वो कहीं से भी आपको वाउंड से एंट्री कर सकता है, प्रिक्स इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेनेट्रेटिंग इंजरी, ठीक है। स्पोर्स कैन गेन एंट्री थ्रू एनी वाउंड, प्रिक्स इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और पेनेट्रेटिंग इंजरी। अब देखते हैं कि कैसे कॉज करता है, इसका पैथो कैसा है। स्पोर आया, स्पोर क्या किया, वाउंड में एंट्री मारा, वाउंड में एंट्री मारने के बाद वो जर्मिनेट करेगा एनरोबिकली विच एनरोबिक मीडिया रिलीजिंग बैक्टीरिया विच मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले क्या है, स्पोर आया, स्पोर क्या किया, वाउंड में एंट्री मारा, एंट्री मारने के बाद वो जर्मिनेट करेगा एनरोबिक मीडिया में और वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरिया, रिलीज ऑफ एक्सोस्टोसिन। फिर वहां से क्या करेगा, वो एक्सोस्टोसिन को रिलीज करेगा, दो होते हैं, एक होता है टिटैनोस्पैज्मिन, एक होता है टिटैनोलाइसिन, ठीक है। क्या क्या है, टिटैनोस्पैज्मिन और टिटैनोलाइसिन। तो फिर क्या है आपका, टिटैनोस्पैज्मिन जो होता है वो आपका थ्रू लिम्फेटिस जाएगा, थ्रू द पेन इन शीत जाएगा और सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। लिम्फेटिस जाकर लिम्फेटिस वो करेगा, टिटैनोस्पैज्मिन जो है वो आपका रोकेगा और क्या बोलते हैं, आपकी जो पेरिन्यूरल शीथ है वहां जाके एंटर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लॉक्स द कोलिटेरेस एंजाइम एट एंटीरियर हॉर्न सेल, ठीक है। ये आपको सीएनएस में जाएगा, सीएनएस जाके आपको क्या करेगा, वो कोलिटेरेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा एंटीरियर हॉर्न सेल, जहां पे क्या होगा आपका हाइपर एक्सटेबिलिटी आ जाएगा और आपका जो मसल है वहां पर स्पैजम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, टोनिक क्लोनिक आएगा, कन्वर्जन आएगा, ठीक है। ऑफन टॉक्सिन इज फिक्स्ड इन नर्व टिश्यू, इट कैन नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटीटॉक्सिन, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, टिटैनोस्पैज्मिन और टिटैनोलाइसिन। तो जो आपका स्पैज्मिन है वो क्या करेगा, एक लिम्फेटिस थ्रू जाएगा, एक आपका पेरिनियल शीथ पे जाएगा, एक वो सीनस पे जाएगा, जहां पे मेन आपको कॉज करेगा। सीनस जाके क्या करेगा, वो कोलिटेरेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे मसल्स का हाइपर एक्सटेबिलिटी हो जाएगा और स्पैज्म हो जाएगा और वहां पे वो टोनिक क्लोनिक आपको कन्वर्जन दिखाई देगा। वंस टोनिक टॉक्सिन इज फिक्स्ड इन नर्व टिश्यू, इट कैन नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटीटॉक्सिन, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसा होगा, टॉक्सिमिया आपको अगर ब्लड में गया तो आपको टॉक्सिमिया कॉज कराएगा, आपके न्यू मसल जंक्शन में आपको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, मसल स्पैजम जो है और एग्रीगेट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कॉन्टेस्ट एक्टिविटी
रुक जाएगा वहां पे, एंजाइम रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। और टिटेनोलाइसिन क्या करता है, सिर्फ आपको याद करना है हीमोलाइसिस, ठीक है। टिटेनोलाइसिन हीमोलाइसिस मतलब जो मेन काम कर रहा है वो टिटेनोस्पैज्मिन कर रहा है, दो तीन है, एक सर्कुलेशन जहां पे आपका न्यू मसल जंक्शन में आपको वर्क कर दे रहा है, और दूसरा क्या आपको टॉक्सिमिया करा रहा है, और यहाँ पे आपका सीनस पे काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका पेरिनियल शीथ पे काम कर रहा है, और आपका एक हो आपके लिम्फेटिक्स पे काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया पैथो हो गया, और कौन कौन कॉज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो हो गया, और कैसे रिस्क फैक्टर है वो हो गया, और डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, आपको लिख दोगे। अब टॉक्सिन क्या करता है लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखने जरूरत नहीं है, हम सीधा आएंगे अपन क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे, ठीक है। क्या क्या दिखता है हम लोग को, तो सीधी बात है देखो, जितने भी आपका स्पैजम हो जाएगा जो दिक्कत होगा वो सिम्टम क्या आएगा कि उसको ट्रिस्मस दिखाई देगा, क्योंकि नेक मसल का स्पैजम हो गया, ठीक है, तो ट्रिस्मस होगा उसको, और जॉ का स्टिफनेस हो जाएगा, पेन होगा स्टिफनेस इन द नेक एंड बैक मसल, ठीक है, उसको स्वेटिंग होगा, और उसको हेडेक आएगा क्योंकि सीनियर से वर्क कर रहा है, तो हेडेक आएगा, डिलीरियम आएगा, और स्लीपनेस दिखाई देगा, उस इसोफेगस में वहां पे उसको वो हो जाएगा, स्पैजम हो जाएगा, तो डिस्फेजिया हो जाएगा उसको, और अगर रेस्पिरेटरी आपका लाइज फेस हो जाएगा तो डिसिप्निया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिम्टम, उस सिम्टम लेके ये सब आएगा आपका। साइन क्या है आपका, ट्रिस्मस ड्यू टू स्पैजम ऑफ मैसेटर एंड टेरिगोइड, ठीक है, वही है ट्रिस्मस, क्यों, क्योंकि आपका मैसेटर और टेरिगोइड का स्पैजम हो गया। वो रिस्कस सार्डोनाइकस मतलब आपको हमेशा वो हंसता दिखेगा, हंसता हुआ क्यों, एक रिजिड स्माइल ड्यू टू स्पैजम ऑफ द फेशियल मसल जाइगोमैटिकस मेजर लुक्स एज इट पेशेंट इज स्माइलिंग, नेक का रिजिडिटी हो जाएगा, स्पैजम एंड रिजिडिटी ऑफ ऑल मसल्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी चेंजेस जहां पे आपका लैरिंजियल मसल का स्पैजम हो जाएगा, टोनिक क्लोनिक दिखेगा, कन्वर्जन दिखेगा हम आपको, ठीक है, हेमाटोमा बन जाएगा आपका, सीवियर कंजन आपको मिलेगा, फीवर रहेगा, टैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिमिया हो रहा है इसलिए, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपका यूरिनरी में भी आपका स्पिंक्टर का स्पैजम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपका जो यूरिन है वहां का उसका क्या होगा, रिटेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। और रेली फीचर ऑफ कार्डाइटिस दिखेगा आपको, और उसके बाद बस, और सिम्टम में भी एग्रेटेड बाय स्टिमुलेट लाइट और नॉइस, लाइट और नॉइस और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन, जो सिम्टम है वही आप साइन ले सकते हो, क्रिसमस हो गया आपका, है ना, कन्वर्जन आपको, कन्वर्जन दिखेगा आपको, टोनिक कोइन कन्वर्जन, सीवर कन्वर्जन दिखेगा आपको, हेमाटोमा बन जाएगा, और यूरिन का इरिटेशन हो जाएगा आपका, नेक का रिजिडिटी हो जाएगा, है ना, और डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसिप्निया दिखेगा आपको, ठीक है। अब आपको जो लैरिंग्स का मसल है उसका स्पैजम हो जाएगा, और आपका टेगोइड का मसल का स्पैजम हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, हमसे वो स्माइलिंग फेस का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बक्सेंटर मसल होता है, जैगोमैटिकस मेजर, उसका आपका स्पैजम हो जाएगा, है ना, फेशियल मसल का। आपको टॉक्सिमिया का क्या दिखेगा, फीवर दिखेगा, आपका टैकेडिया दिखेगा, है ना, और डेली क्या दिखेगा आपको, कार्डाइटिस दिखेगा, और ये सिम्टम जो होता है आपका लाइट और नॉइस से आपका एग्रेट हो जाएगा, ये हो गया आपका क्लिनिकल फीचर हो गया, ठीक है। आप उसके अब सीधा अपन नीचे आएंगे आपके, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सीधा अपन आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, इसको वो कैसे करेंगे हम लोग, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि हाँ यही है करके, सिंपल सा है, देखो टिटनेस हो रहा है, क्वेश्चन टेटनी कॉज कर रहा है, तो अपन सीधा क्या करेंगे, आपका लाइट डायग्नोसिस कराएंगे हम लोग, जो अपन पढ़े थे माइक्रो में, और फिर अपन लिख लेंगे कि वहां पे आपका कल्चर का कराएंगे, सेंसिटिविटी कराएंगे, तो वहां पे हमको टिटनेस टॉक्सिन टिटनेस का आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद हाँ ये हो जाएगा, देखो वही है आपका कल्चर मीडिया कराएंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी का रॉबर्टसन कुक मीट, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एनोबिक एनोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर रॉबर्टसन कुक मीट और न्यूट्रिएंट अगार में आप चेक कर दोगे, आपको मिल जाएगा। आप टाइप देखते हैं तो दो चार टाइप के होते हैं, बस टाइप से याद रखना, बस एक जनरलाइज होता है ना, जो कॉमन होता है आपका जनरलाइज, एक लोकलाइज होता है क्योंकि एक ही जगह पे होगा, एक सिफिलिक होगा जहाँ पर सिर्फ फेशियल नर्व होगा, और एक न्यूनेटल, ठीक है, क्या क्या है, जनरलाइज, लोकलाइज, सिफिलिक और न्यूनेटल, ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ अब मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बच्चा जो पेशेंट है जो टिटनेस हुआ है उसको उसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका आइसोलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है कि एलिमिनेट करेंगे सोर्स ऑफ टॉक्सिन, जहां से आपको टॉक्सिन आया है वहां से हमको वहां से हटाएंगे उसको, ठीक है। तो पहले क्या है आइसोलेशन, आइसोलेशन इज द एडवाइस इन डार्क क्वाइट रूम, ठीक है, उसको डार्क क्वाइट रूम में छोड़ देंगे टू हैव अ फास्टर रिकवरी, वेंटिलेटर एंड ऑल सपोर्टिव क्रिटिकल केयर फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, टिटनेस पर्स बींग अ नॉट कम्युनिकेबल डिजीज डज नॉट एसेंशियली रिक्वायर आइसोलेशन। देखो जरूरी नहीं कि वो आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, जैसे कोरोना में अपन आइसोलेट करते हैं वैसे जरूरी नहीं, क्योंकि जो ये फिटनेस है ये आपका नॉन क्लिनिकल में आता है, लेकिन ये डार्क रूम में अगर रखेंगे तो जल्दी आपका जल्दी ठीक होगा, ये रिकवरी जल्दी फास्ट होगा, पहले आइसोलेशन कर देंगे। दूसरा क्या अपन एलिमिनेट करेंगे सोर्स ऑफ टॉक्सिन, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, हम क्या करेंगे उसको पेंसिलिन देंगे उसको, ठीक है, हर 6 घंटे पेंसिलिन देंगे, और इंजेक्शन जेंटामाइसिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम
हाँ प्रॉब्लम क्या है प्रेसिलिन के साथ कि ये ना गाबा एंटेगोनिस्ट है एंड मे इंक्रीज द कन्वर्जन, ठीक है, तो क्या करेगा कन्वर्जन को और बढ़ा सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे मेट्रोनिडाजोल देंगे जो कि आपका ट्रीटमेंट का चॉइस है। क्या रहता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है मेट्रोनिडाजोल। अब आते हैं आपके वही आपका टॉक्सिन दे सकते हैं अपन, है ना, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं अपन, है ना, और उसके बाद अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या देंगे एंटी टिटनस सीरम दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या है आइसोलेट करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है ड्रग्स देंगे, तीसरा पॉइंट क्या है उसको इम्यूनोग्लोबिन देंगे, और फिर जो स्पैजम हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गाबा का एगोनिस्ट देंगे, बेंजोडाइजेपिन दे देंगे अपन, है ना, और उसके बाद से डाइजेपैम लोरजेपैम, है ना, मिडाजोलाम वो दे देंगे, और फिर उसके बाद अपन फिनोबार्बिटन दे सकते हैं, है ना, वो एंटी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, और क्लोरप्रावाजिन हो गया, उसके बाद हम लोग हाँ मैग्नीशियम सल्फेट का वो करा देंगे, इन्फ्यूज करा देंगे, ठीक है, और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जैसे कि मिथो कार्बोनोल मिफेंसिन ये सब दे देंगे अपन, ठीक है, और फिर ठीक है, और अगर आपका क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ है कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो अपन एस्पिरेशन निमोनिया ARDS रेस्पिरेटरी फेलियर कॉमन होता है कॉम्प्लिकेशन, तो अपन वहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, है ना, उसे दे देंगे अपन, और फिर उसके बाद अगर वूंड हुआ है वूंड से होता है तो वूंड का अपन मैनेजमेंट कराएंगे, और तुरंत अपन टिटनेस टॉक्सॉइड देंगे, है ना, एज इट विल नॉट गिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट डोज सेकेंड डोज आफ्टर 1 मंथ, थर्ड डोज आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। फर्स्ट डोज देंगे जैसे उसको आया है, आया आपका क्लिनिक में आया, तो फर्स्ट डोज दोगे, और सेकेंड डोज कब दोगे 1 महीने के बाद दोगे, और थर्ड डोज कब दोगे आप 6 मंथ के बाद दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और वूंड मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट याद है पूरा लिख नहीं पाएंगे ना एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा दिखाना है बस कि हाँ आपको पता है, आइसोलेशन हो गया, ड्रग्स हो गया, आप क्या बोलते हैं उसको ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन दे दो, है ना, और स्पैजम को कंट्रोल करो, वही फेनोबारबिटन दे दो और बेंजोडाइजेपिन दे दो, है ना, क्लोजेपैम डाइजेपैम, ठीक है, और अगर आपका निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर है तो आप उसको वेंटिलेटर सपोर्ट दो, ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कराओ, वाउंड का क्लीन एंड क्लीन कराओ, ठीक है, ये सब हो जाएगा, और फिर बाकी सब देना कि गुड नर्सिंग केयर का देना और स्टीरॉयड देना, है ना, अगर आप पैक्सी हाइपर पैक्सी है तो उसके ऊपर आपका स्पंजिंग कराना, ठीक है, और ऑक्सीजन देना आप, ठीक है, वो सब ले सकते हो आप, कोई तो वो लोड नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि गैस गैंगरीन क्या है, ठीक है, गैस गैंगरीन क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो गैस गैंगरीन क्या होता है आपका, इट इज एन इन्फेक्टिव गैंगरीन कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग मेनी स्केलेटल मसल एज इडिमेटस मायोनेकोसिस, ठीक है, ये क्या है, ये भी गैंगरीन पर चल रहा है कि गैंगरीन हो रहा है, इन्फेक्टिव गैंगरीन है कॉज बाय क्लोस्ट्रिडियल ऑर्गेनिज्म, ये कौन कॉज करता है क्लोस्ट्रिडियल ऑर्गेनिज्म कॉज करता है जिसपे ये स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व करता है एज इडिमेटस मायोनेकोसिस, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड अ मैलिग्नेंट इडिमा, ठीक है, अर्लियर जो था ये हमको हम इसको माइग्नेंट इडिमा बोलते हैं, इसमें मेनली आपको इडिमा दिखेगा, ठीक है, सोर्स क्या है रिस्क फैक्टर क्या है ना, तो कंटामिनेटेड मैन्योर और कल्टिवेटेड सॉइल इंटेस्टाइन आर द सोर्सेस, फीकल फ्लोरा कॉमनली कंटेन्स क्लोस्ट्रिडियल ऑर्गेनिज्म एंटर्स अ वाउंड इन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड क्लॉट, ये याद रखना कि पहला पॉइंट क्या है कंटामिनेटेड, है ना, ये यहाँ कर रहा हूँ कंटामिनेटेड मैन्योर कल्टिवेटेड सॉइल और इंटेस्टाइन ये होते हैं सोर्स होते हैं, बस आगे बढ़ेंगे अपन, ये तो कॉमन कहाँ होता है क्रश वाउंड में कॉमन रहता है फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आफ्टर एम्पुटेशन इस्केमिक लिम गनशॉट वाउंड ये सब कॉमन रहता है, ठीक है, एनारोबिक एनवायरमेंट जहाँ जहाँ रहेगा वहां पे मेनली होता है क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम होता है वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो एनारोबिक एनवायरमेंट इन द वाउंड इनिशियल इन्फेक्शन विद द एरोबिक ऑर्गेनिज्म इंप्लाइज एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन इन द टिश्यू क्रिएटिंग एनारोबिक एनवायरमेंट टू कॉज क्लोस्ट्रिडियल सेप्सिस, ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है ये मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो एरोबिक करता है, लेकिन एरोबिक जो क्या करता है वो सारा ऑक्सीजन खा लेता है जिसके कारण वो जो सराउंडिंग जो एरिया है वो एनारोबिक हो जाता है जिसके कारण आपका ये कॉज होता है, ठीक है, अब कॉज कौन करता है वो देखते हैं अपन, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजिस कॉज करता है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक सेंट्रल स्पोर बियरिंग है और क्लोस्ट्रिडियम इडियमाटिस क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिसम और हिस्टुलिटिकम, ठीक है, आप मेनली क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज याद रखना, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजिस ये याद रखना, ठीक है, गैस ग्रेडिन में बाकी आपको याद आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोस्ट्रिडियम इडियमाटिस सेप्टिसम याद आएगा, अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रेन होते हैं ABCD से, ए जो होता है वो कॉमन रहता है, ठीक है, जो आपका क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस है वो कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है अल्फा बीटा एप्सिलॉन आयोटा सीटॉक्सिन कापाटॉक्सिन और बस्टिंग फैक्टर, ठीक है, अब याद रखना अल्फा बीटा एप्सिलॉन, है ना, आपका ईटा और सीटॉक्सिन ये सब आपका टॉक्सिन रिलीज करता है। अब हम आते हैं कि इसका एक कैसे आपका क्या बोलते हैं कॉज कैसे करता है आपका, ठीक है, पहला आता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, जो आपका क्रिएट करता है
लेसिथिनेस याद रखना, लेसिथिनेस, हीमोलाइसिन और हाइलोडिनेस और प्रोटीनेस, ठीक है। जो उसमें है ना कि आपका टिटनोसोलाइसिन और टिटनोसो स्पैजिन था ना, वैसे इसमें क्या है आपका लेसिथिनेस है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन मेन जो कॉज कर रहा है लेसिथिनेस ही कॉज कर रहा है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन विच इज हिमोलाइटिक मेमोलाइटिक एंड नेक्रोटिक कॉजिंग एक्सटेंसिव मायोसाइटिस, इट स्प्लिट्स लेसिथिन इनटू फॉस्फोकोलिन, ठीक है। लेसिथिनेस क्या करता है आपका हिमोलाइटिक कराता है, हिमोलाइटिक मेमोलाइटिक नेक्रोटिक, ठीक है, हिमोलाइटिक मेमोलाइटिक नेक्रोटिक जो जो आपका एक्सटेंसिव मायोसाइटिस कॉज करा रहा है, ठीक है। हिमोलाइसिस हिमोलाइसिस हिमोलाइसिन जो हो वो आपका वही है लास्ट पर चल रहा है, हिमोलाइसिस कराता है, ठीक है। और हाइलोडिनेस क्या कराता है, ये गैस गैंगन को रैपिडली स्प्रेड कराता है। प्रोटीनेस क्या करता है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है इन एन इन्फेक्टेड टिश्यू। स्पोर्ट्स एंटर थ्रू द ड्यूटिलाइज्ड टिश्यू कॉमनली इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्रश इंजरी। वो पढ़े अपन की मेनली किससे होता है, ये आपको क्रश इंजरी हो गया है ना, आरटी हो गया, इससे आपको स्पोज होता है और फिर स्पोज मेट करेगा, फिर रिलीज करेगा, मल्टीप्लाई करके एक्सप्लोशन रिलीज करेगा, वहां पे वो वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं अपन, तो क्या क्या देखेगा। पहला आता है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड तो क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 से 2 दिन में ये आपका आता है ना, गैस गैंगिन, फीचर ऑफ टॉक्सिमिया, वेस्ट टॉक्सिमिया, फीवर, टैकिकार्डिया, इसे दिखेगा आपको पैलर, और वुंड जो होता है वो अंडर टेंशन दिखेगा विद फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इसलिए आपको आपका बदबू आएगा थोड़ा सा ना, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज बदबू आएगा, और खाकी ब्राउन कलर का स्किन दिखता है ड्यू टू हिमोलाइसिस, क्योंकि हिमोलाइसिस हो गया है तो खाकी ब्राउन कलर हो जाएगा, क्रिप्टस कैन बी फिल्ट है ना, आपको क्रिप्टस सुनाई देगा, और आपको जॉन्डिस रहेगा वो भी आपको ऑमनियस साइन देगा इसमें, जॉन्डिस और ओलिगिरिया, क्योंकि यहाँ पे पैलेट दिखाई दे रहा है, इसमें चल जाएगा कि आपका रिनल जो है फेल हो रहा है, ठीक है। और मेनली कहाँ कहाँ होता है ये, एडेक्टर रीजन ऑफ द लोअर लिम एंड बटक्स एंड सब स्कैपुलर रीजन ऑफ अपर लिम, ठीक है, कहाँ कहाँ होगा ये, एडेक्टर रीजन ऑफ लोअर लिम, बटक्स एंड सब स्कैपुलर रीजन इन लोअर अपर लिम। क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची कैन इंफेक्ट लिम्स, एब्डोमिनल वॉल, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, इंटेस्टाइन, यूट्रस, इसे याद जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इतना रखना कि क्या क्या दिखेगा आपको, पहला क्या आपका इस दो दिन में आपका इंक्यूबेशन पीरियड है, आपको टॉक्सिमिया, फीवर है, टैकिकार्डिया से दिखेगा जो कि फीचर है टॉक्सिमिया का, और वुंड जो है अंडर टेंशन रहेगा, और बहुत बदबू आएगा, फोर स्पेलिंग बदबू आएगा, और फिर आप याद करना कि खाकी ब्राउन कलर का दिखेगा आपको, क्रिपिटस दिखाई देगा आपको, और जॉन्डिस जो है ऑमनियस साइन रहेगा, जॉन्डिस है ना ऑमनियस साइन रहेगा, जॉन्डिस दिखाई दे सकते हैं आपको कि रीनल जो है फेल हो रहा है, ठीक है। और मेनली कहाँ दिखाई देगा, लोअर लिम दिखाई देगा और बटक्स दिखाई देगा। अब इसका आते हैं टाइप्स में आते हैं, उससे टाइप्स याद रखना, एक होता है फर्मिनल टाइप होता है, एक मैसिव टाइप होता है, ग्रुप टाइप, सिंगल मसल टाइप और सर्कुटेनियस टाइप, ठीक है। तो पता चल जा रहा है फर्मिनेट मतलब क्या है कि रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है और डेथ हो सकता है इसमें टॉक्सिमिया के कारण, और मैसिव मतलब क्या है कि एक पूरे लिम को ये मैसिवली पूरा कवर करते हैं, ग्रुप मतलब क्या है इससे ज्यादा मसल को कवर किया है, सिंगल के एक ही मसल किया है ये, और सब कुटेस मतलब क्या है, ये सब कुटेसली स्प्रेड हुआ है, ठीक है, ना पता चल रहा है हम लोग को। उसके बाद अपन आते हैं कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी में जो भी लिखोगे आप, आपको कॉम्प्लिकेशन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं आया तो खुद से बना के लिखना है, लेकिन लिखना जरूर। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें सेप्सिमिया हो सकता है, इसको टॉक्सिमिया हो सकता है, रिनल फेलियर, लिवर फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर, DIC, सेकेंडरी इन्फेक्शन, डेथ अगर हो सकता है क्रिटिकली इल पेशेंट में, ठीक है। क्या क्या है, सेप्सिमिया, टॉक्सिमिया, रिनल फेलियर, लिवर फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर, DIC, सेकेंडरी इन्फेक्शन और डेथ अगर हो सकता है इन क्रिटिकली इल पेशेंट में, ठीक है। अब आते हैं कैसे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे अपन, पहले एक्सरे कराएंगे अपन, जो कि हमको देखेगा कि मसल प्लेन में गैस नजर आ रहा है, इसे नाम गैस गैंग्रीन है। LFT कराएंगे, ब्लड यूरिया कराएंगे, सीएम क्रिएटिनिन कराएंगे, टोटल काउंट, ब्लड काउंट उसको कराएंगे, फिर सिटी स्कैन करा देंगे तो हमको चेस्ट का और एब्डोमिनल वुंड का पता चल जाएगा, और ग्राम स्टेन कराएंगे जो ग्राम पॉजिटिव बेसिली बताएगा, रॉबर्टसन कुक टूमिट मीडिया पता कराएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका एनोबिक कल्चर मीडिया है ये, और क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची जो होता है ये ग्रोन इन कल्चर मीडिया कंटेनिंग 20% ह्यूमन सीरम इनट्रेट, ठीक है। अपन याद रखना नेगलस रिएक्शन, ठीक है, नेगलस रिएक्शन गैस गैंग्रीन में कराते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद अपन किट कैसे करेंगे अपन, तो वही पहले तो वाउंड है, तो वाउंड को अपन पर ट्रीटमेंट करेंगे, वाउंड क्लीन करेंगे अच्छे से, है ना, सब करेंगे, और फिर उसे इंजेक्शन देंगे, बेंजाइन पेंसिलिन इंजेक्शन देंगे अपन, और थर्ड जनरेशन से फर्स्ट पॉइंट दे देंगे अपन, ठीक है। और ब्लड काफी लॉस हो जाए तो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे अपन, और एंटीसीरम देंगे, है ना, एंटीसीरम, और उसके बाद अपन ऑक्सीजन कमी हो गया तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, और उसके बाद जो आपका डेड टिश्यू है उसको अपन निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डेब्रिमेंट देंगे, उसको रिहाइड्रेट करेंगे, उसको है ना उसको इलेक्ट्रोलाइट का मैनेज करेंगे, और वो ज्यादा सीवियर हो गया तो उसको एम्पुटेट कर देंगे अपन, जो कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पर कभी भी जो एम्पुलेट किया है उसको स्टम को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कमी आ गया तो अपन वेंटिलेटर सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, बाकी
हाँ फिर वही है, हाइपोटेंशन हो गया तो अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद मेनली जो आपका थेरेपी है वो कंसेंट्रेट होना चाहिए, कंसेंट्रेट होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, डिहाइड्रेट उसको ठीक करो, हाइपोटेंशन ठीक करो, इन्फेक्शन को ठीक करो, टॉक्सिमिया ठीक करो, फ्रेश ब्लड ब्लड को ठीक करो, पैसिव इम्यूनाइजेशन ठीक करो, ठीक है, एंटीबायोटिक, हाइपरबारिक ऑक्सीजन, ड्यूइंग रेडिकल वाउंड ऑक्सीजन, इस सबको ठीक करो आप, ठीक है। ये आपका हो गया गैस गैंगरीन। फिर क्या इंपॉर्टेंट है गैस गैंगरीन के बाद, एक्टिनो माइकोसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्टिनो माइकोसिस, सिफिलिस, एक्टिनो माइकोसिस, ठीक है। हाँ एक नाम पर चल रहा है एक्टिनो माइकोसिस, मतलब क्या कौन कॉज कर रहा है इसको, इट कॉज बाय एक्टिनोमाइसिस इजराइली, ठीक है। इट्स एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव, ये भी एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव है, फंगल लाइक बैक्टीरियम व्हिच इज ब्रांचिंग फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म इसको अपन क्या बोलते हैं, रे फंगस ही बोलते हैं, बिकॉज सन रे अपीयरेंस, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल टाइप्स में आते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसका, एक होता है फिको सर्वाइकल, एक थोरैक्स, इन राइट इलेक्ट फोसा, लिवर और पेल्विक, ठीक है। फिको सर्वाइकल इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड आइदर फ्रॉम टॉन्सिल और फ्रॉम एडजेसेंट इन्फेक्टेड टूथ, ठीक है। जो आपका फिको सर्वाइकल है तो मोस्ट कॉमन है, यहाँ से इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है आपका, या तो ये आपके टॉन्सिल से कॉज होगा या फिर आपके जो टीथ है वो इन्फेक्शन हो गया वहां से कॉज होगा, ठीक है। इनिशियली एंड इन्फेक्शन डेवलप नोड्स फॉर्म विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन ऑफ फेस एंड नेक, इट सॉफ्टनेस एंड ब्रश थ्रू द स्किन एज साइनसेस विच डिस्चार्ज पस विच कंटेन सल्फर गैन्यूल्स, ठीक है। दिखता कैसे देखते हैं अपन, रुको इसका फोटो नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्टिनोमाइकोसिस क्या है पहले अपन याद कर लेंगे कि ये कॉज कौन करता है, एक्टिनोमाइकोसिस इसलिए कर रहा है ये, इसे टाइप्स होते हैं, मेरे याद रखना कि फंगल टाइप का होता है, सन रेपस दिखाता है, और ये एनोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसके ये टाइप से फिको सर्वाइकल जो क्या कर रहा है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इस इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर रहा है आइदर फ्रॉम द टॉन्सिल और फ्रॉम द एडजेसेंट इन्फेक्टेड टूथ, और फिर क्या कर रहा है इनिशियली इन्फेक्शन डेवलप होगा वहां से नॉन्डस बनेंगे, नॉन्डस बनने के बाद वहां से साइनस डिस्चार्ज होगा, साइनस बनने के बाद वहां से पस निकलेगा और वहां पे वो सल्फर गैनुल्स हमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं थोरैक्स में, लंग्स और प्लूरा जो होते हैं वो इन्फेक्ट होंगे इसमें थोरैक्स में, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द फैरिंग्स और बाय एस्पिरेशन, और राइट इलेक्ट फोसा में आपका मास मास एब्डोमेन दिखेगा, राइट इलेक्ट फोसा में। लिवर जो होगा वो इन्फेक्ट होगा थ्रू पोर्टल वेन, ठीक है, हनीकॉम लिवर, इसमें हनीकॉम लिवर दिखाई देता है हमको एक्टिनोमाइकोसिस में। और आपका पेल्विक कैसा आएगा, पेल्विक एक्टिनोमाइकोसिस कैन अकर ड्यू टू इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। क्या क्या आपका फीकल सर्वाइकल है, फेशियल सर्वाइकल है, आपका थोरैक्स है ना, आपका इन राइट इलेक्ट फोसा, फिशियल सर्वाइकल आपका थोरैक्स, आपका राइट इलेक्ट फोसा, और लिवर हो गया आपका पेल्विक हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्टोमाइकोसिस। अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंटर्स थ्रू डीपर प्लेन ऑफ द टिश्यू कॉज सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन द इंड्यूरेशन एंड नोडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके टिश्यू के डीपर प्लेन में एंटर करता है और वहां से आपका सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है विद इंड्यूरेशन एंड नोडल फॉर्मेशन, ठीक है। वहां पे क्या होगा, इंडक्शन फॉर्मेशन होगा और नोडल बनेगा, इवेंचुअली डिस्चार्जिंग साइनस फॉर्म्स एट द सरफेस, वहां पे साइनस बनेगा, फिर वहां से पस निकलेगा, पस को कलेक्ट करेंगे अपन जहां पे हमको सल्फर गैनुल्स मिलेगा। ये वही जब पढ़े ना ऊपर, ये फेको सर्वाइकल में पढ़े ना, वही आपका, ठीक है। अब आते हैं आपके फीचर्स में, हमको क्या क्या दिखाई देगा, वही वापस रिपीट होगा कि डिस्चार्जिंग पस दिखाई साइनस दिखाई देगा, इस पे इंडक्शन रहेगा और नोडल्स रहेगा, इससे कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं रहता है, थ्रू ब्लड स्प्रेड इट मे कॉज पायमिया एंडेंजर लाइफ, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में आते हैं अपन, तो पस को अपन माइक्रोस्कोपी कराएंगे तो हमको ब्रांचिंग फिलामेंट दिखाई देगा, ग्राम स्टेनिंग कराएंगे तो ग्राम पॉजिटिव मछली दिखाई देगा और ग्राम नेगेटिव रेडिंग पेरिफेरल फिलामेंट दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद कल्चर कराएंगे ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार एंड थायोग्लाइकोग्लाइट मीडिया, ठीक है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार में कल्चर कराएंगे और थायोग्लाइकोग्लाइट में कराएंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट में आते हैं, तो वही पेंसिलिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं अपन, डैप्सोन दे सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एंटी फंगल वाला दिखा रहा है ना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं एंटी फंगस दे सकते हैं अपन, ठीक है, बिकॉज फंगस लाइक बैक्टीरियम है ना, ये बैक्टीरिया तो है लेकिन फंगल टाइप का, तो अपन जितना भी फंगस देता है वो दे सकते हैं अपन, ठीक है। एंटी फंगल हो गया, डैप्सोन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया है ना, सिप्टोमाइसिन हो गया और पेंसिलिन हो गया, कुछ ज्यादा स्प्रेड हो गया है देखिए तो अपन सर्जिकली डेब्यूट कर देंगे। और एक होता है फेल्श फेल्श रेजिमेन, इंजेक्शन अमिकासिन देंगे अपन 21 डेज के लिए, सर साइकिल सब रिपीटेड 3 टाइम्स गैप ऑफ 15 डेज, ठीक है। तो क्या है इसको बोलते हैं अपन वेल्स रेजिमेन देते हैं, वेल्स रेजिमेन ये क्या होता है, ये हम एमिकासिन देते हैं इसमें, एमिकासिन देते हैं अपन, ठीक है, एमिकासिन देते हैं 15 15 mg/kg 21 डेज के देते हैं। पहले क्या देखेंगे अपन, 3 टाइम्स सच साइकल्स रिपीटेड 3 टाइम्स एट अ गैप ऑफ 15 डेज अलॉन्ग विद टेबल टैबलेट ट्राइमेथ्रोप्रिन, ठीक है, सल्फा
मिथाक्सोजैलोन, ठीक है, तो ध्यान रखना वेस्टेजी में, बाकी आपको जो भी है वो लिख देना, ठीक है। तो आपका एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। अब नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें लास्ट आता है नेकोटाइजिंग फसाइटिस, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका रेबीज, मस्कोकॉमियल, ये रहा नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, डीप फेशिया एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। देखो उसमें क्या हो रहा था आपके गैस एंगिन में, वो आपका सेम दिखता है। गैस एंगिन में क्या होता है, आपका जो नीचे क्या मसल्स होते हैं मायो नेक्रोसिस होता है, मायो नेक्रोसिस, लेकिन नेक्रोटाइजिंग क्या होता है आपका, ये मेनली को स्किन को करेगा, डीप फेशिया करेगा और सॉफ्ट टिश्यू करेगा, विद एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन टॉक्सिमिया कॉमनली ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। जो गैस एंगिन था वो आपका कौन कॉज कर रहा था, आपका क्लोस्ट्रिडियम कॉज कर रहा था, और जो नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉज कर रहा है इन्फेक्शन, बट ऑफन ड्यू टू मिक्सड इन्फेक्शन लाइक एनोरोबस कोलियोफॉर्म्स ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इट इज कॉमन इन ओल्ड एज, ये मेनली ओल्ड एज में होता है, स्मोकिंग में होता है, डायबिटीज में होता है, इम्यून सप्रेशन सप्रेस्ड में होता है, मैलनरिस्ट, ओबेसिटी, स्टीरॉयड थेरेपी, एचआईवी, ठीक है। जितना याद आता है लिख देना आप, एचआईवी, अब इम्यून सप्रेसिव और आपका डायबिटीज, आपका ओल्ड एज है ना, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, सब में आता है आपका, ठीक है, कॉमनली होता है। इट कैन अकर इन लिम्स, लोअर एब्डोमन, ठीक है, आपका मेनली लिम्स में होता है, लोअर एब्डोमन कॉज करता है, दिस एक्यूट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इडिमा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड क्यूटानियस माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस, ठीक है। मिली क्या होगा इसमें कि एक्यूट इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स दिखाई देगा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड क्यूटानियस माइक्रोवास्कुलेचर थ्रोम्बोसिस, मसल इज यूजुअली नॉट इन्वॉल्व इन नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, वही है। नोसिस कहाँ इन्वॉल्व होगा, मायो नेक्रोसिस किसी में होता है आपका गैस रंगीन में होता है, और इसमें क्या मसल, यहाँ इसमें मसल इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उसमें क्या स्किन, डीप टिश्यू, आपका डीप फेशिया, सॉफ्ट टिश्यू, ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। बाकी सेंस में दिखाएगा, बाकी उसमें क्लोस्ट्रिडाइड कॉज कर रहे थे, इसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके इसमें आते हैं अपन, फीचर्स में आते हैं, तो टेबल में दिखाया यहाँ पे। हाँ, इसे 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या दिखाई देगा आपको, फीवर, एथिमिया, इडिमा, वार्म स्किन, टेंडरनेस, ठीक है। आपको फीवर दिखाई देगा, आपको एथिमिया दिखाई देगा, आपको वार्म स्किन, टेंडरनेस दिखाई देगा। स्टेज 2 में दिखाई देगा ब्लिस्टर और बुल्ले फॉर्मेशन, स्टेज 3 में आपको हाइपरस्थेसिया और एनेस्थेसिया दिखाई देगा। क्या क्या आपका, कि सडन स्वेलिंग दिखाई देगा आपको, स्वेलिंग हो जाएगा, आप पेन होगा कहाँ पे, जहाँ पे पार्ट हुआ है, इडिमा, डिस्कलरेशन, नेकोटिक एरिया और अल्सरेशन, ठीक है। आपको जो वहाँ पे डिस्चार्ज दिखाई देगा, फोल स्मेल डिस्चार्ज दिखाई देगा, फ्यूचर ऑफ टॉक्सिमिया विद हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स हाइपोटेंशन, ठीक है। वही आपको टॉक्सिमिया हाई ग्रेड फीवर दिखाई देगा, चिल्स दिखाई देगा, हाइपोटेंशन दिखाई देगा, आपको वहाँ पे फोल स्मेल डिस्चार्ज दिखाई देगा, ऑलिगुरिया ऑफन विद एक्यूट रिनल फेलियर ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। ऑलिविया ऑलिविया हो सकता है इसमें, जॉन्डिस दिखाई देगा आपको, रैपिड स्प्रेड इन शॉर्ट पीरियड इन फ्यू आवर्स, ठीक है, बहुत कम टाइम में काफी जल्दी स्प्रेड हो जाता है ये, और आपको ठीक है, और इसके क्या बोलते हैं, अगर ठीक नहीं होता है तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग कॉज हो सकता है, ठीक है। अब इसके आते हैं अपन ठीक कैसे करेंगे, वही है, आई फ्लूड दे दीजिए, है ना, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए उसको, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दीजिए, पेंसिलिन दे दीजिए, और उसको कैथेटराइजेशन कराइए, बॉन्डरिंग कराइए, ठीक है, हीमेटोक्रिट, सीरम क्रिएटिनिन एसेस कराइए, पल्स कल्चर कराइए, ब्लड कल्चर कराइए, उसको इलेक्ट्रोलाइट मैनेज कराओ और मॉनिटरिंग कराओ, डायबिटीज कंट्रोल करो, है ना, पेशेंट डायबिटीज है तो ऑक्सीजन दो, वेंटिलेटर सपोर्ट दो, है ना, डोपामाइन दो, सब दो, और आप रेडिकल वाउंड एक्सीजन करा दो अगर कुछ ज्यादा स्किन जो है गैंगीन में चला गया है तो, ठीक है, और वैक्यूम एसेसर बेटर रहता है इसमें, और अगर एक बार ठीक हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो हेल्दी गैस्ट्रो टिश्यू अपियर्स, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग कर दो उसका, ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन आता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन की, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन क्या होता है, तो इस पे आपको पूछेगा कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन क्या होता है और उसका वो क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का, ठीक है। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, फर्स्ट बीइंग पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया, ठीक है। सबसे पहला क्या आपका इन्फेक्शन होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया होता है, ठीक है, ड्यू टू वायलेंट बैक्टीरियल एंट्री, ठीक है। तो क्या है आपका सर्जिकल साइड इन्फेक्शन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजियर, फिर दूसरा क्या, फर्स्ट पहला क्या आता है, पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया होता है ड्यू टू वायलेंट बैक्टीरियल एंट्री, अल्टर्ड वाउंड माइक्रो एनवायरमेंट एंड चेंज्ड होस्ट डिफेंस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय बेटर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग सर्जरी, एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक थेरेपी, बेटर सर्जिकल टेक्निक, रिड्यूस हेमाटोमा, टिश्यू इंजरी एंड फॉरेन बॉडीज विद इन द सर्जिकल साइट, प्रिवेंशन ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया विद विच एनहांस्ड ऑक्सीजन सपोर्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी चीज है, कॉमन सोर्स क्या है, वही है सर्जिकल वार्ड्स में आपका कॉज हो सकता है, वुंड हो गया, आपका अल्सर हो गया, कैथेटर हो गया, ड्रेन, स्पूटम, यूरिन, फीसेस, ओपन वुंड, इस सबका कॉज हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशन रूम विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन, नर्सेस,
सर्जन, ऑपरेशन मेथड, स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, अच्छा इंस्ट्रूमेंट का स्टेलाइज नहीं किया आप, है ना, और आपके विदाउट नर्स हैं, डॉक्टर सर्जन है, तो उसका कॉज हो सकता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ठीक है। और फिर कौन सा कॉज करता है, मेनली वही है, स्टेफोलेस कॉज करता है। एनी ऑर्गेनिज्म लाइक क्लोस्ट्रीडिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ वुंड विद नो साइन और सिम्टम ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन, ठीक है। अगर आपका बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है वुंड में और वहां पे कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन कोलोनाइजेशन बोलते हैं। यूजली लेस देन 10^5। ट्रांजेंट एक्सपोजर ऑफ वाउंड टू बैक्टीरिया यूजली लेस देन 6 आवर इज कॉल्ड कंटेमिनेशन, ठीक है। इसे बकवास है। और फिर आता है अपन की सिक्वेंस, कैसे सिक्वेंस याद नहीं करना है उतना, नहीं फिर अपन आते हैं इसके, वो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वूंड। ये तो आपका है सर्जिकल वूंड का है आपका, तो पढ़े थे अपन, क्लीन वूंड हो सकता है, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड और डर्टी वूंड, है ना, जो अपन पूरा याद करो पढ़े थे अपन सर्जिकल का, तो वही इसको लिख देना इसमें। और फिर सीधा आप आना ये कि इसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को। तो इसका कैसे है आपका, पहला क्या है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द वुंड इन्फेक्शन, पहला क्या है डेप्थ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, डेप्थ के अकॉर्डिंग है। दूसरा क्या आपका इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तीसरा क्या आपका टाइम के अकॉर्डिंग है, पहले क्या डेप्थ, फिर आपका इटियोलॉजी, फिर टाइम, फिर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सीवियरिटी। तो पहला क्या है डेप्थ, डेप्थ में कैसे आपका सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से हुआ है, डीप और ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखो सुपरफिशियल मतलब क्या है आपका, इट अकर्स विद इन 30 डेज ऑफ ऑपरेशन, ये 30 दिन के अंदर होता है ऑपरेशन के, और ये सिर्फ स्किन और सब कुछ इसको इन्वॉल्व करता है। इसमें आपको पोलन डिस्चार्ज दिखाई देगा, कल्चर डॉक्यूमेंटेशन नॉट रिक्वायर्ड, ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम फ्लूइड टिश्यू ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन, एटलीस्ट वन साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, वाउंड इज डेलिबरेटली ओपन्ड बाय द सर्जन, सर्जन और अटेंडिंग फिजिशियन डिक्लेयर दैट द वाउंड इज इन्फेक्टेड। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखना कि 30 दिन के अंदर दिखाई देता है, अकर होता है और सिर्फ स्किन इन्वॉल्व करता है, सबकुटानियस टिश्यू इन्वॉल्व करता है, और जो पोलन डिस्चार्ज है कल्चर डॉक्यूमेंटेशन इस रिक्वायर्ड नहीं होता। Pollen discharge from fluid tissue of superficial incision at least one sign of inflammation हमको दिखाई देगा, ठीक है, discharge हो रहा है और वहां पे हमको एक साइन दिखाई देगा इन्फ्लेमेशन का। और जब वाउंड को ओपन किया जाएगा, सर्जन ओपन करेगा, सर्जन क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ यहाँ पे वाउंड जो है इन्फेक्शन हो चुका है इसका, ठीक है। ये क्या होगा आपका सुपरफिशियल हो गया। दूसरा क्या है डीप इंसिजन, ये क्या होता है आपका, ये आपका 30 दिन के अंदर होता है ऑपरेशन के, या फिर 1 साल के अंदर होता है इफ एन इम्प्लांट इज प्रेजेंट, ठीक है। और फिर क्या वही है डीप पर चला कि डीप सॉफ्ट टिश्यू को ये करता है, वो स्किन कॉज करता है ये, तो डीप सॉफ्ट टिश्यू को ये इन्वॉल्व कर गया, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पोलन डिस्चार्ज पोलन ड्रेनेज फ्रॉम द डीप इंसिजन साइट विदाउट ऑर्गन स्पेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो क्या है आपका ये 30 दिन के अंदर होता है, फिर इम्प्लांट प्रेजेंट है, तो आपका ये 1 साल के बाद 1 साल के तक दिखाई देगा, और ये इन्वॉल्व करता है डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व करता है इंसिजन का, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पोलन ड्रेनेज फ्रॉम द डीप इंसिजन साइट विदाउट ऑर्गन स्पेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका ऑर्गन स्पेस का आता है इस पे, क्या ये वही 30 दिन के अंदर दिखाई देगा, वन एफ इम्प्लांट प्रेजेंट इन्वॉल्व एनाटॉमिक स्ट्रक्चर नॉट ओपन और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग सर्जरी, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग पस फ्रॉम ड्रेन प्लेस्ड इन टू ऑर्गन स्पेस ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड बाई कल्चर। नहीं आप सिंपल से याद रखो, सुपरफिशियल मतलब स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, 30 दिन के अंदर दिखाई देगा बस, ठीक है। इतना रखना पस दिखाई देगा उस एरिया में, ठीक है। डीप मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर दिखाई देगा, फिर 1 साल के अंदर दिखाई देगा अगर इम्प्लांट प्रेजेंट है और ये डीप टिश्यू को कॉज करता है बस। और फिर ऑर्गन स्पेस में आएंगे, इसका मतलब क्या है 30 दिन के अंदर दिखाई देगा, एक साल के अंदर दिखाई देगा अगर इम्प्लांट प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा एक उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा जो कि ओपन नहीं हुआ था ऑपरेशन टाइम, ओपन नहीं हुआ था, और फिर क्या बोलते हैं आपके वहां पे पस दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया डेप्थ में, ठीक है। अब आते हैं इटियोलॉजी में, वही प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी मतलब क्या है कि जहां से आपका इन्फेक्शन हुआ है प्राइमरी साइट से आपका इन्फेक्शन हुआ है, और दूसरा क्या है कि उसके कॉम्प्लिकेशन कारण कहीं और से इन्फेक्शन हुआ है सेकेंडरी, ठीक है। आप क्या है आपका टाइम के कारण, टाइम क्या आपका अर्ली इंटरमीडिएट और लेट, ठीक है। अर्ली मतलब 30 दिन के अंदर, इंटरमीडिएट मतलब क्या 1 से 3 दिन 3 महीने के अंदर, और लेट मतलब 3 महीने के बाद के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सीवीटी, सीवीटी में क्या है माइनर वुंड इन्फेक्शन और मेजर, ठीक है। अगर माइनर मतलब क्या है आपका नॉर्मली डिस्चार्ज बस हुआ है सेलेटिस में, तो माइनर होगा, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आपका आपका एसिस बना दिया है, आपका गैंग्रीन चला गया है, आपका डीप डीपली लेट चला गया, तो आपका वो सीवीटी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन इसका, हाँ
प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो आपका फेंकने वाला चीज है इसमें, ठीक है वही है प्री ऑपरेटिव आपको अच्छे से क्या बोलते हैं क्लीन करना, और सारा क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक रखना, अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करना है ना, और सारे क्या बोलते हैं इसको जो ऑप्शन हो रहा है आपको सेविंग करना है ना, जो दूसरे एरिया में हो रहा है उसको सेव करना ताकि अच्छे से क्लीन हो वहां पे और इन्फेक्शन ना हो है ना, और फिर क्या बोलते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ पहले हो चुका है पेशेंट को उसको ठीक करना, वो सब फेंकने वाला चीज है ठीक है। और फिर केयर करेंगे ओटी, ओटी में फिर केयर करना है ना, स्टाइल कैप्स मास्क गाउन स्टाइल ग्लव्स यूज करना है उसको, प्रॉपर स्किन क्लीनिंग करना है ना, फोर्डन आयोडीन है और प्लास्टिक ड्रेप्स यूज करना है, जेंटल टिश्यू हैंडलिंग करना है ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और फिर आपका प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक थेरेपी, इट इज यूज व्हेनेवर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन इफ पॉसिबली सीवियर एंड इफ पेशेंट हैज हाई एनएनआईएस रिस्क इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, अपन एंटीबायोटिक देंगे ठीक है, जैसे आपका क्या बोलते हैं इंजन दोगे आप उससे पहले आप एंटीबायोटिक दे देना आप उसको ठीक है, या फिर एनेस्थेसिया देने के पहले आप एंटीबायोटिक देना ताकि जो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक ठीक कर दे उसको, रोक दे उसको है ना। सिलेक्टेड एंटीबायोटिक शुड बी एक्टिवली अगेंस्ट लाइक पैथोजेंस ना, और बस इतना लिखना, प्रॉपर टेक्निक यूज करना वो सब लिख देना, आपको नाम याद होना चाहिए पहला क्या आपका कि आप प्री ऑपरेटिव करो, ऑपरेशन के पहले आप क्या बोलते हैं क्वेश्चन अपनाओ, ऑपरेशन के टाइम पे अपनाओ, एंटीबायोटिक थेरेपी दो, और फिर आप क्या बोलते हैं एनहांसमेंट ऑफ होस्ट डिफेंस, ठीक है होस्ट डिफेंस को आप और अच्छे से बढ़ाओ ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ा दो, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करो है ना, क्योंकि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन को ज्यादा ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेस कराता है ठीक है। अब आते हैं कि आप मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेज कैसे करना है आपको कि वही डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है उसका, सुपरफिशियल है डीप है कि ऑर्गन स्पेस है ना, अगर इन्फेक्टेड मटेरियल आ गया है तो उसको रिमूव कर देंगे वुंड से और डिब्राइव कर देंगे है ना, सूचर्स को रिमूव करेंगे तो अलाउ फ्री ड्रेनेज है ना, अगर इन्फेक्टेड हो गया तो सूचर सूचर्स को रिमूव कर ताकि बस जो रिलीज हो जाए है ना, इन्फेक्टेड फ्लूड इज सेंट फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, वंस बाउंड शो साइन ऑफ हीलिंग तो उसको हेल्दी जो है स्क्रीन ग्राफ्टिंग करा देंगे उसको अपन ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं आपके लास्ट क्या है आपका कि एचआईवी के अगेंस्ट आप इनिशियल प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए आपको, केयर इन हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी डॉक्टर नर्सेस जो यूज करते हैं शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसका अपन केयर से करेंगे, आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा क्योंकि एचआईवी आपका स्प्रेड हो सकता है, जैसे नीडल्स हो गया ब्लेड्स हो गया, ऑल कट्स एंड एब्रेशन इन एचआईवी पेशेंट शुड बी कवर्ड विद अ वाटर प्रूफ ड्रेसिंग, ठीक है जितने भी कट्स और एब्रेशन है वो एचआईवी पेशेंट का उसको अपन वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से कवर कर देंगे ठीक है, और आपको बहुत कम से कम आपको पेरिनेटल इंजेक्शन देना है उसको, इक्विपमेंट एंड एरिया विच आर कंटामिनेटेड विद सिक्रेशन शुड बी वाइप्ड विद सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन, ठीक है जितने भी आपके इक्विपमेंट और एरिया जो यूज कर रहे हैं और इन्वॉल्व है आपका एचआईवी पेशेंट से उसको अपन सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से उसको अपन वाइप करेंगे, कंटामिनेटेड ग्लव है ना ग्लव जो है उसको अपन सीधा आपको इंसेंटर देना है उसको ठीक है, इक्विपमेंट को भी आपको डिसइंफेक्टेड करना है और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट यूज करने हैं आपको ड्रेस स्कैल्पल उसको भी अपन यूज करेंगे जब आपको पॉसिबल हो सके है ना, और वॉल्स और फ्लोर को भी अपन तुरंत प्रॉपरली क्लीन करेंगे विद सोप वाटर, सेपरेट ऑपरेशन होता है थिएटर ओटी थिएटर होता है एचआईवी के लिए ठीक है, और अवॉइड करेंगे शेविंग व्हेन एवर पॉसिबल बिफोर सर्जरी इन एचआईवी पेशेंट, ठीक है शेविंग कराना है हमें ठीक है, ये सब आपका प्रिकॉशन हो जाएगा आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशन है अगेंस्ट एचआईवी, ऑल पीपल इन साइड द थिएटर शुड वियर डिस्पोजल गाउन, गाउन यूज पहनेगा वो प्लास्टिक एप्रन पहनेगा अपनी बॉडी को कवर करेगा, सर्जन असिस्टेंट एंड स्क्रब नर्सेस शुड बी वियर इन एडिशन टू डबल ग्लव्स है ना, डबल ग्लव्स यूज करेंगे, सक्शन बॉटल शुड बी हाफ फिल्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूटराइड सोल्यूशन, ठीक है स्पिल्ड बॉडी फ्लूइड शुड बी डाइल्यूटेड विद इन ग्लूकोट्राइडाइड, एक्सीडेंटल पंचर एरिया इन सर्जन और स्कब नर्स शुड बी इमिडिएटली वॉश्ड विद सोप एंड वाटर, आपको फेंकना ही है आपको जो पढ़ो ना एचआईवी जो जो हो सकता है अब उसको अच्छे से फेंक देना ठीक है। आपको यहाँ पे चैप्टर जो है आपका खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्वेलिंग ठीक है, चलो थैंक यू।